एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। एआईएमआईएम दर्जनों भर कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को रमजान के महीने में होने वाली समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें लिखा था कि रमजान का महीना इबादत का महीना होता है, जिसमें रमजान के महीने के दौरान बिजली पानी मस्जिदों की सुरक्षा एवं साफ सफाई को सुचारू रूप से दुरुस्त किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है। तो आज ये डीएम साहब से मिले, क्या है पूरा मामला? देखिए, वो असल में रमजान मुबारक हमारे चालू होने वाले हैं, तो हमने डीएम साहब से मुतालबा कराया है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से कराई जाए, सफाई सुथराई कराया जाए, मस्जिदों के पास से जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो हटवाया जाए, मुस्लिम बस्तियों से कूड़े के लगे हुए वो हटवाया जाए, लाइट की व्यवस्था बिल्कुल ठीक करी जाए, जो भी घंटे लाइट दी जाए, इस बीच में लाइट चली जाती है, सहरी के टाइम पर लाइट चली जाती है, इफ्तार के टाइम पर लाइट चली जाती है, और इसके अलावा कुछ जैसे मस्जिदों के पास पुलिस पिकेट बिठाई जाए ताकि कोई भी शरारती तत्व जो वहाँ पर कोई शांति भंग ना करे।